ये कोइंसिडेंस लाखों में एक बार होते हैं। साल 1911 में वायलेट जोसेफ नाम की महिला आरएचएस ओलंपिक शिप में नर्स का काम कर रही थी। कुछ दिन के बाद ये शिप एक दूसरे जहाज से टकरा गया जिसमें कई लोग मारे गए, लेकिन वायलेट को एक खरोंच तक नहीं आई। फिर साल 1912 में वायलेट को आरएमएस टाइटैनिक में जॉब मिली, लेकिन ये जहाज भी बर्फ से टकरा गया जिसमें 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन इस बार भी वायलेट बच गई। अभी और सुनो, साल 1916 में वायलेट को ब्रिटैनिक जहाज में काम मिला, लेकिन ये जहाज भी एक माइन से टकरा गई जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए और वायलेट इस बार भी बच गई। है ना कमाल का कोइंसिडेंस। तो फैक्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।